कलेक्टर द्वारा शाला कॉलेजों में रजा जाहिर कराई थी जयरे एमएससीयू ना इग्नो डिपार्टमेंट द्वारा परीक्षा योजाई थी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा देशभर में एक दिवसे परीक्षा आयोजन कर दिल्ली थी केंद्र सरकार आधीन चाले छे। गुजरात में वावाजोड़ा की परिस्थिति ने जोता कलेक्टरे जाहिरनामु बहार पड़ियों जेमा शाला कॉलेजों में रजा जाहिर कराई थी। बीजी तरफ एमएसयू ना इग्नो डिपार्टमेंट में परीक्षा योजाई थी। आ मामले पीआरओ लकुलेश त्रिवेदी जणाव्युं हतुं के इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली थी केन्द्र सरकार ने आधीन चाले छे। कलेक्टर जे जाहिरनामु बहार पाड्युं हतुं ते अंतर्गत अमे अमदावाद रीजनल ऑफिस अने दिल्ली खातेनी ऑफिस में पण जाण करी हती के वावाजोड़ा ने ध्याने राखीने कलेक्टरे शाला कॉलेजों बंद राखवानी जाहेरात करी छे। जो कि दिल्ली थी कोई मैसेज न आव्यो होवाथी आजे परीक्षा चालू छे। अगाउथी परीक्षा शेड्यूल थई होवाथी विद्यार्थीओ परीक्षा आपवा माटे आव्या हता जेथी तेमनी परीक्षा लेवाई हती। आजे जे अहींया परीक्षा थई रही छे ए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जे केन्द्र सरकार हस्तक छे केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालयनो दरज्जो प्राप्त छे। आखा समग्र भारतवर्षमां एक साथे आ परीक्षानुं आयोजन थतुं होय छे। एना शेड्यूल अगाउथी डिक्लेर थई गयेला होय छे अने जे विद्यार्थीओ छे ए पण एनी परीक्षा माटे आवी गयेला होय छे। गईकाले रात्रे कलेक्टर श्री साहेबनो जे आदेश आव्यो हतो परंतु अमे एनी जाण रीजनल सेंटर अने दिल्ली खाते पण करी हती परंतु त्यांथी कोई रिस्पोन्स न आवता राबेता मुजब परीक्षा जे छे ए आजे चालू राखवामां आवी छे। जेने कही शकाय के गुजरात में पण पांच अलग अलग स्थळोए पण आ परीक्षा अत्यारे हाल चाली रही छे जेमां राजकोट अमदावाद सूरत वडोदरा अने दमण आ पांच सेंटरो पर अत्यारे हाल परीक्षा चाली रही छे। ए पण वर्तमान परिस्थिति में पण आ परीक्षाओ त्यां आगळ रेग्युलर रीते चाली रही छे। जिल्ला कलेक्टरनो आदेश हतो तो पण आ चालू जेम मैं आपने विदित करी ए प्रमाणे आ केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय छे अने समग्र देश में एक साथे आ समय एक साथे एक समय परीक्षा चालू थती होय छे अने अलग अलग विषयोनी परीक्षाओ एक ज दिवसे होय छे अने समग्र भारतवर्ष में एक साथे जेनुं पेपर वगैरह ओपनिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ बधुं थतुं होय छे। जेथी करीने कदाच एवुं कही शकाय के जे आ केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय छे जेमां केन्द्र માંથી અમારે એની મંજૂરી લેવાની હોય છે કે બંધ રાખવી કે ચાલુ રાખવી એ સંદર્ભે અમને કોઈ પણ નિર્ણય ન જણાતા આજે રાબેતા મુજબ પરીક્ષા ચાલુ રાખી છે। કેટલા છોકરાઓ પરીક્ષાની આપતા બેઠા એને એવું કહી શકાય કે અત્યારે લગભગ 70 વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામ અત્યારે હાલ આપી રહ્યા છે। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર।